बस उसी विषय में कभी मां ने कहा होगा ये शब्द, और कितनी बार कहा होगा, लेकिन जिनको वो धुन लगी है, धुन सवार है उस परमात्मा की, परमेश्वर की, उस पिया की, वो कैसे, वो तो मौन भी रहेगा तो पिया की स्मरण चलता रहेगा उनके हृदय में। बोलेगा तो पिया के लिए पुकारेगा, कीर्तन करेगा, नाचेगा, गाएगा, झांझ बजाएगा, ढोलक मृदंग बजाएगा। भक्त के श्रृंगार भगवान है, भगवान को धारण करके चलता है भक्त। वैष्णव में 12 तिलक लगाते हैं वैष्णव लोग, वो 12 भगवान के नाम लेते हैं, चारों तरफ अपने शरीर में भगवान को संवारते हैं, भगवान का चरण चिन्ह मस्तिष्क पे लगाते हैं, तुलसी का पत्ता लगाते हैं, चढ़ाते हैं चरण के ऊपर, भगवान का कवच लगा करके ये संसार में विचरण करते हैं, जिससे कोई प्रकार से माया देवी अटैक न करे उनके ऊपर। संसार माया नहीं है, हमारे मन के अंदर जो भ्रम है ये माया है। संसार तो भगवान की सृष्टि है, ये प्रकृति माया नहीं है। ये सुंदर फूल खिल रहे हैं ये माया नहीं है, ये तो ऐसे ही सत्य है जैसे हम सब सत्य हैं। माया है हमारे मनों का भ्रम। भ्रम क्या है? हम मास्टर बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं ये प्रकृति का, अपने धन का, अपने जन का, अपनी पत्नी का। ये माया है, इन पर हम अपनी मालकियत जमाते हैं, ऑनरशिप जमाते हैं, ये माया है। ये मैं और मेरा ये माया है, ये भ्रम है। इसी को इल्यूजरी पोटेंसी कहा है भगवान की। भगवान की सृष्टि तो अति सुंदर है, और जैसे हम आत्मा स्वरूप से नष्ट नहीं होते कभी भी, ऐसे ये सृष्टि भी कभी रूप बदल लेती है, प्रलय में चली जाती है, लेकिन मूल प्रकृति में ये सारा ब्रह्मांड मूल प्रकृति में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में विलीन हो जाता है। यानी सदैव के लिए मूल प्रकृति इटर्नल है, सदैव के लिए है, सच्चिदानंद है, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, हमारे शरीर निकलते हैं, लेकिन इनका रूप तो बिगड़ जाता है। जैसे गहनों को, सोने के गहनों को अग्नि में पिघला दो तो गहने तो पिघल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन एक सोने की डगड़ी बन जाती है, ईंट बन जाती है। ऐसे ये तमाम ब्रह्मांड मूल प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, महाप्रलय में नष्ट नहीं होते। तो ये माया नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये सत्य है। जिन्होंने कहा कि जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने कुछ गलत ही कहा है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। जो हमारे मनों में ये भ्रम सवार है ये मिथ्या है, यही माया है। भगवान को जानने के लिए भगवान ने जैसे कहा है कि भक्ति से, एकमात्र भक्ति से मुझे कोई जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वता त्यक्त्वा ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम। तो वही भक्त मेरे धाम का वासी बनता है, जिसने मेरी भक्ति की हो, मेरी सेवा की हो, शुद्ध सेवा, निर्मल सेवा। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति है भगवान की। ज्ञान और कर्म से अनावृत जिस भक्ति में ज्ञान, पाखंड, पांडित्य कि मैं इतना विद्वान हूं, संस्कृत का आचार्य हूं, 6 शास्त्र 18 पुराण वेद सभी का ज्ञाता हूं, मंत्र तंत्रों का विशारद हूं, नहीं, ये ज्ञान की जरूरत नहीं है भक्ति में, ये तो दूर ही रहना चाहिए। कबीर जी की बात मुझे ज्यादा उचित लगती है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुया पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर ही आते हैं, पै आधा रर्रा और मैं प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में पैदा नहीं हुआ परमात्मा के प्रति, वो तमाम दुनिया के शास्त्रों को पढ़े तो समझिए कि वो एक कचरा इकट्ठा कर रहा है, यदि प्रेम नहीं पैदा होता तो। गीता पढ़े, तोते की तरह रटे, कंठस्थ करे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो तो वो तोता रटनती रह जाती है। गीता का तात्पर्य भगवान ने बार बार कहा है कि मेरे बनो, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असी में। हे अर्जुन, मेरे में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। मनमना भाव मद भक्तो मद्याजी इमाम नमस्कुरु, ऐसी भक्ति तू करेगा तो मेरे धाम को आ जाएगा। मामे वैश्यसि, मुझे प्राप्त कर लेगा। सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, मित्र है, इसलिए तुझे सत्य कहता हूं। तेरे प्रति जो भी मैं कह रहा हूं ये परम सत्य कह रहा हूं अर्जुन। इतनी ईमानदारी से, इतनी सत्यता से भगवान ने ये ज्ञान उपदेश किया है अपने प्रिय भक्त, प्रिय अंतरंगा मित्र को। इस परम पवित्र शास्त्र को स्वीकार करने में बाधा आती है उन बुद्धिहीन लोगों को, जिनके सर नहीं है, जिनके खोपड़ी नहीं है शरीर में। वरना तो भगवान ने बार बार अपनी ओर आने का इशारा किया है, तो चलना तो हमको पड़ेगा, कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। कदम हम एक भी उठाते हैं भगवान की ओर तो 1000 कदम चल के भगवान आते हैं, इसीलिए तो उन्हें भगवान कहा है। एक कदम हम उनकी ओर चलते, एक दीपक जलाते हैं, हमारे पूरे घर में वो प्रकाश फैल जाता है, हृदय में भी प्रकाश हो जाता है, बुद्धि में भी प्रकाश आ जाता है। एक दीपक ही जलाया भगवान का नाम लेकर के, बस। एक कदम भी चलोगे तो 1000 कदम भगवान आएंगे, तो 100 कदम चलोगे तो लाखों कदम भगवान आ गए। भगवान अपनी संतान को दूर देखना नहीं चाहते, लेकिन संतान उनको पीठ दे करके भागती है संसार को भोगने, तो भगवान का इसमें क्या दोष। फिर भगवान साक्षी रूप से, परमात्मा स्वरूप से सभी के हृदय में बैठ करके ये जीव को देखता रहता है, इसकी मूर्खता को, इसके कर्मों को, और इंतजार भी करते हैं कि कभी ये पलट के आ जाए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहा है, ये अपने घर को भूल गया है, सुबह से निकला है, शाम होने को जा रही है, अभी भी ये वापस आ जाए तो इसको कोई भूला नहीं कहेगा। लेकिन कहां जन्म जन्म यही झंझटों में पड़े हैं हम, अपने असली घर को भूल करके। हम जगह जगह बालू के, मिट्टी के ढेर मकान बना रहे हैं। मकान बनाना तो रहने के लिए ठीक है, लेकिन जो सपने सजा रहे हैं रंगीन कांच के महल बनाने के, यही गलत है। ये संसार फूल से मर को पवन चले उड़ जाई। ये जीवन जो है कुछ समय के लिए मिला है। कल श्रीकांत चले गए संडे के, ये पिछले संडे को कार्गो से उनका शरीर, मृतक शरीर, उनकी पत्नी बच्चा है वृंदावन में। 18 लाख रुपए खर्च करके मकान लिया। कहते थे कि अभी मैं अमेरिका से चला जाऊंगा, बहुत रह लिया, अभी वृंदावन में भजन करूंगा भगवान के। चले गए वो, चले तो गए लेकिन उनकी डेड बॉडी गई। उम्र ज्यादा नहीं थी, 50 वर्ष थी। मनुष्य के शरीर का कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। मानुषो दुर्लभो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये बड़ा दुर्लभ, बड़ी दुर्लभता से तो ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर को पा करके हम पागलों की तरह पापों में उलझे रहते हैं, भोगों में उलझे रहते हैं, झंझटों में उलझे रहते हैं, जन्म मरण में उलझे रहते हैं, मैं मेरे में उलझे रहते हैं, तू तेरे में उलझे रहते हैं। स्वार्थों में जीवन जीते रहते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, इस तरह से हमको सुख नहीं मिलेगा। भगवान को भूलकर कैसे सुख मिलेगा? भगवान तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि लौट के घर आ जाए। शाम होने को जा रही है, हजारों लाखों करोड़ों जन्म जिया है संसार में। कुत्ते बिल्लियों जैसे जन्म जिया है। जब भी ये भोग करता था, बंदर बिल्लियों में जिया है तब भी ये भोग करता था, गधे घोड़ों में जिया तब भी ये भोग करता था, आज मनुष्य बना है तब भी ये भोगों में ही पागल है। और एक बार नहीं, ये 100 बार मनुष्य बन चुका, फिर भी वही चूसे को फेंक दिया है, फिर उसी को उठा के फिर चूस रहा है। चुसा चुसंतम ना करंतम। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, शब्द मुझे याद आया, चुसा चुसंतम न करंतम। बोले जिसको चूस के फेंक दिया, जिस गन्ने को चूस के फेंक दिया, छोई को, उसको उठा के फिर चूसोगे क्या मिलेगा? लोग भी मूर्ख कहेंगे, संत लोग। चुसा चुसंतम ना करंतम लटकंतम फल ना खावंतम। ये संसार के फल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। केला बेच के भी लोग धन इकट्ठा कर लेते हैं। बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन भी फैक्ट्री चला रहे हैं। बुद्धिहीनों के पास यहां अमेरिका में ही 8-8 हजार अपार्टमेंट हैं जो किराए पर चलाते हैं। और मैं एक ऐसे बुद्धिहीन को भी जानता हूं जो अंगूठा छाप है और उसके पास बंबई के अंदर टैक्सी आ रखता है। किसी ने मुझे बतलाया कि 1400 टैक्सी है उसके पास, सबको किराए पे देता है। बुद्धिहीन भी ये काम कर सकते हैं। लटकंतम फल नहीं खावंतम, लेकिन ये इसका भोग विलास, संसारिक फलों का भोग विलास, कर्मों के फल के भोग विलास करना ये मना किया। चुसा चुसंतम ना करंतम, लटकंतम फल ना खावंतम। लटकंतम फल खावंतम तो बहुत दुख पावंतम। इस संसार के आसानी से लटके हुए फलों को तोड़ तोड़ के खाओगे तो इसमें बड़ा दुख, बड़ा कष्ट पैदा होगा, बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा, मृत्यु आएगी, फिर मां के गर्भ में लटकोगे, फिर वही चक्कर चलेगा। ये भंवर में मेरी नैया बीच भंवर में डुग डुग गोते खाए वाली बात हो जाएगी। ये जन्म मरण चरा व्याधि का चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, ये घनचक्री हुए हो रहे हैं लोग, घनचक्कर में चल रहे हैं, घनचक्कर में पिस रहे हैं। कोलू के बैल जैसे पिसते हैं, वही चक्कर पे चक्कर चलता है। कोलू का रेल की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, वो तो बेचारे यही समझता है मैं पता नहीं कितनी मील चल चुका, लेकिन आंखें खोलो उसकी तो देखेगा कि अरे मैं तो यहीं पर हूं, ये कोलू के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूं। ऐसे ही ये संसार के चक्कर हैं, कोलू के बैल की तरह। डांट भी खाओ, फटकार भी खाओ, मालिक के डंडे भी खाओ और चक्कर चलाते जाओ। माया देवी के डंडे खाओ, चक्कर चलाते जाओ। ये चक्रों से निकालने के लिए ही कहा है कि मानुषो दुर्लभो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। नो गारंटी कल का सूर्य किसको उदय हो किसको नहीं हो, कौन गारंटी ले सकता है इस बात की? नहीं ले सकते। नहीं, ये मनुष्य के जीवन में आकर के हमको चरित्रवान बनना चाहिए, हमको ज्ञानवान बनना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करके भक्ति का धन अर्जित करना चाहिए, धनवान बनना चाहिए, भक्ति धन। आपके पास जितनी भक्ति होगी उतनी भगवान नजदीक होंगे। भक्ति जितनी कम होगी उतने भगवान दूर होंगे। भक्ति बिल्कुल ही नहीं होगी तो भगवान आपके स्वप्न में भी आ नहीं सकते, फिर तो शैतान आएंगे, दुख आएंगे, बीमारी आएंगी, जन्म मरण आएंगे, कलेश आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएंगे, मेंटल डिसीज आएगी, जिंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, पतन होगा। पतन से नीचे के लोग मिलेंगे, नरक मिलेंगे। यहां भी नरक है, ये पृथ्वी नरक है। ऐसे ऐसे योनि ये पृथ्वी के ऊपर है जो नरक की तरह भी रहना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है। सर्दी गर्मी कुछ भी, कोई रहने की जगह नहीं, मर जाते हैं ठंड में। कितने ही जानवर ठंड में मर जाते हैं। बीमारियां हैं, कैंसर हो रहे हैं, एड्स फैल रही है सारी पृथ्वी पर, HIV एड्स फैल रही है। दिन प्रतिदिन इसके अंकुर बड़े होते जा रहे हैं। फैल जाएगी, हरियाली छा जाएगी जैसे खेतों में, ऐसे ही फैल जाएगी संसार में। आदमी ऐसे भी मरेगा, सड़ सड़ के, गड़गड़ के। उससे अच्छा है हम प्रभु की शरण ले लें और प्रभु का नाम लें, हरि का नाम लें, चरित्रवान बने, ईमानदार बने, सत्य को धारण करें, असत्य का मुंह काला करें, प्रेम हृदय में भरें, नफरत को बाहर फेंक दें, तभी आपके जीवन में खुशबू आ सकती है, तभी आपका जीवन महक सकता है, वरना जीवन दुर्गंध युक्त हो जाता है, दुर्गंध उठती है, पापियों की दुर्गंध, उनके खान पान की दुर्गंध, उनके सोच विचारों की दुर्गंध, उनके कर्मों की दुर्गंध, दुर्गंध फैलती है। फिर उनके पसीने में से बदबू आती है, तो फिर कैंसर आएगा, बीमारी आएंगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी। फिर कोई मां के पिता के अंश और मां का मिलन, तो मां के गर्भ में फिर लटकेंगे, फिर एक थोड़े बबल की तरह, फिर एक पिंड की तरह, फिर थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर उआ उआ करके बाहर निकलेंगे, जन्म हो जाएगा। जन्म बधाइयां देंगे लोग कि बधाई हो, पुत्र ने जन्म लिया है। फिर किसी मां का स्तनपान करेंगे, फिर अपनी टट्टी पेशाब में का भी होश नहीं रहेगा, उनमें ही पड़े रहेंगे। बड़े होंगे फिर वही गुल्ली डंडा खेलेंगे, फिर घोड़ी पे चढ़ेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर एक दुल्हन लाएंगे, फिर वही चूसे को चूसेंगे। चुसा चुसंतम ना करंतम, जिसको चूस के फेंक दिया उसको बार बार क्या चूस रहे उठा उठा के। ये संसार के भोग विलास कितनी बार कितने जन्मों में और जन्मों से करते ही आ रहे हैं। अभी भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम करो, कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका नाम लो, सोते जागते उठते बैठते गोविंद का, तब भगवान के धाम में विशते तदनंतरम, तब भगवान के धाम में आप प्रवेश कर सकते हैं। तब उस परमानंद शरीर की प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद शरीर की, सच्चिदानंद धाम में जाकर के।